नमस्कार साथियों, मैं अनुराग सिंह और मिस्टर देवाशीष सिंह आपके सामने एक जो देश में कोरोना की समस्या चल रही है उसके ऊपर चर्चा करने आए हैं, जिससे देशवासियों को और हमारे भाई बहनों को, माताओं बहनों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले, जिससे उनके जो दिनचर्या है, जो कोरोना से जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसमें कुछ सुधार ला सकें या फिर कुछ जानकारी हासिल कर सकें। स्टार्ट करने आइए, हमारे साथी देवाशीष जी से मिलिए। हेलो दोस्तों, अभी जैसे कि हमारे दोस्त अनुराग जी ने कहा है कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं वो कोरोना से रिलेटेड बना रहे हैं और इसके बारे में आज हम दोनों के बीच में चर्चा होगी और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नॉलेज इसके बारे में दिया जाएगा। सो हम अनुराग जी से पहले तो ये पूछना चाहते हैं कि जो ये कोरोना है ये मतलब आने के क्या रीज़न रहा और ये कैसे आ गया इंडिया में और बाकी भी देश में कैसे चला गया। सो सुनते हैं उनसे वो उनकी राय क्या है। जैसे देवाशीष जी आपने बताया, कोरोना कैसे आ गया हमारे दुनिया में, कैसे आया कोरोना, तो इसके पीछे अभी तक हमारे विज्ञान ने, हमारे साइंस ने, या जो हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर लगे हुए हैं, कुछ अभी तक एक पुख्ता या एक मजबूत एविडेंस नहीं दे पाए हैं कि इसके आने का वजह क्या थी। जैसे कि ये तो हम जानते ही हैं कि इससे पीछे कोरोना वायरस की जो फैमिलीज थी उसके कुछ कोरोना एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हम जैसा जानते हैं, हम पढ़ा भी हुआ है साइंस में कि क्रोम जो वायरस होते हैं अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं, जैसे फोन अपग्रेड होता है, इसी तरीके से जो नया जो अभी बढ़ रहा है, जिसे हम COVID-19 बोलते हैं, ये पिछली कोरोना वायरस फैमिली थी उनसे थोड़ा अपग्रेड होके आया है। तो इसका ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि जो हम बता सकें कि दुनिया में कहाँ से कोरोना आया हुआ है। अच्छा सर अनुराग जी, आप क्या ऐसा बता सकते हैं कि जो ये कोरोना की बीमारी है हमें काफी देर से पता चली? अगर हमें पहले पता होती या पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है तो अगर पूरे वर्ल्ड को पहले इसके बारे में, चाइना ने, हमें जहां तक कि पता है कि ये चाइना से ही आया है, तो अगर चाइना पहले बता दिया होता तो हमें इसमें इसे काबू करने में थोड़ी हमें आसानी हो जाती या हमें इसे काबू कर सकते थे। क्या आपको ऐसा लगता है? जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अगर इसके ऊपर अगर हम एक सख्ती से कुछ स्टेप या कदम उठाते तो जरूरत नहीं, हम इस बीमारी से रोकथाम पा सकते थे। जैसे हमारे देश ने एक उदाहरण सेट किया हुआ है कि इस बीमारी के ऊपर अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो कैसे हम इसके ऊपर विजय पा सकते थे या कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरे देखें, जैसे चाइना की भी अगर बात करते हैं, तो चाइना देखो, सबसे पहली चीज होती है जो बीमारी अगर आती है, कोई कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी या महामारी आती है विश्व में, तो ये जिस कंट्री के लिए पहले आती है तो उस कंट्री के लिए तो ये बिल्कुल अननोन होती है। उसके ऊपर रिसर्च होते हैं, पता चलता है कि कैसे ये फैलेगी, इसका मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो इस वजह से चाइना या जो उसके बाद की कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जो यूएसए, इंडिया, इटली में थोड़ा पहले हो चुका था, तो इनों के जो बढ़ने की संख्या है, जो यूएसए ने अपनी शक्ति नहीं दिखाई है, उसको कुछ बहुत ही हल्के में ले लिया, जिसके कारण उनके इतने ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। अपने हिंदुस्तान में तो इसकी अच्छी शुरुआत, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जो देश की पॉलिसीज हैं कुछ अच्छा किया है। इसके ऊपर हम और बात करेंगे कि इन पॉलिसी को और बेटर कैसे किया जा सकता था। जैसे हमारा लॉकडाउन चल रहा है, 23-24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है, तो उसको और कैसे बेहतर कर सकते थे, बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब अनाउंसमेंट किया कि लॉकडाउन होने वाला है तो उन्हें एक दिन पहले करना चाहिए था या लोगों को पहले उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन तो उन्होंने बोल दिया, व्यवस्था के बारे में उन्होंने बोल दिया, लेकिन उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि ये जो जो व्यवस्था प्रोवाइड कराएंगे या देंगे वो क्या होगा। वो हमें बाद में होम मिनिस्ट्री ने जारी किया था। तो अगर वो प्रधानमंत्री जी बोलते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि उससे जब वो बोलते हैं तो पूरी इंडिया देखती है उन्हें, तो उनका जो बोलना होता है वो काफी असर डालता लोगों पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके वजह से हमने देखा कि कई कई जगहों से लोग माइग्रेट हो रहे हैं, अपनी जॉब तो वैसे उनकी छूटी पड़ी है और वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो टर्म है वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो एक तरफ से आपको क्या लगता है अनुराग जी कि जो मोदी जी ने आप पॉलिसी उठाई वो क्या सही था या उस पे और भी कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते थे या उसे और बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता था? जी हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो पॉलिसी थी इसका इम्प्लीमेंटेड, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन का होना अपने देश में जरूरी था। इंडिया जैसे विशाल देश में, जिसकी आबादी 130 करोड़ है,
उसके उस देश में इस बीमारी का रोकने का सिर्फ लॉकडाउन ही जरिया बचता था अगर इसकी कोई वैक्सीन नहीं है तो। हाँ, तो जो देवाशीष जी बोल रहे थे कि लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी, हमारे प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से सडनली आके इस प्रक्रिया को बोल दिया कि देश में लॉकडाउन है, तो उस प्रक्रिया को थोड़ा और बेटर बना सकते थे हम, थोड़ा प्री प्लान करके इसको कर सकते थे कि व्यवस्थाएं कैसी होंगी लॉकडाउन के अंतर्गत, क्योंकि 21 दिन का लॉकडाउन कोई छोटा मोटा लॉकडाउन नहीं है। पूरे देश को 21 दिन के लिए बंद करना, एक आम मजदूर जिसमें हमारे देश की 65 से 70% जनसंख्या ऐसी है जो डेली वेजेस पे रोज की आमदनी पे काम करती है, मतलब उनको समझाना, उसको कंट्रोल करना जो कि मुख्य जरिया था इस बीमारी को रोकने का, तो उसको कहीं ना कहीं वो कमी मुझे लगी हुई है कि उसको थोड़ा और बेटर तरीके से कर सकते थे। जो आपकी बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो रिकमेंडेशन आई थी कि खाना मिलेगा एक दूसरे दूसरे, एक चीज मुझे और यहाँ पे थोड़ी नहीं समझ में आई जो मुझे गलत लगी है, जो हमारे देश ने होने दिया कि जो ट्रैवलिंग हुई थी, जो माइग्रेशन हुआ था, जो दिल्ली के लोग थे बिहार से, दिल्ली से बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, बहुत ही भिन्न राज्यों से दिल्ली में जो जॉब काम करने आए थे, डेली वेजिस पे काम करते थे, या मजदूर वर्ग था, लेबर वर्ग था, ये खबर सुनते ही अफरा तफरी सी मच गई थी, तो घर भागने की होड़ सी लग गई थी, जिसके कारण हमने देखा है कि काफी हमने काफी देखा जो माइग्रेशन हुआ है दिल्ली से अपने अपने घर जाने के लिए, उस चीज को हमें कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि मुख्य जरिया था वो बीमारी फैलाने का। अगर हमारे देश के छोटे छोटे प्रांतों में अगर ये बीमारी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं वो मुख्य जरिया वहां से बन गया था जो लोग माइग्रेट हो रहे थे, तो उसको ऐसा कर सकते थे कि स्ट्रिक्टली फॉलो करके कोई माइग्रेट नहीं करेगा, आपके खाने पीने का रहने का इंतजाम जहां हो वहीं होगा, सरकार के इसकी बेहद सख्ती से पालन करके और ध्यान रखना चाहिए था। क्या लगता है आपको दिवस इस बात पे? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने स्टेप जो लिए काफी बोल्ड स्टेप लिए हैं और मतलब उनको लेना भी चाहिए था। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि बोल्ड स्टेप लेना तो आसान होता है, हमें पता है कि हमारे मिनिस्ट्री को भी पता है कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है और जिसमें जो गरीब तबके के लोग हैं वो मोर देन 80% के आसपास में आ जाते हैं। तो इनको मतलब हर तरह से अगर आप आइसोलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास खाने रहने की मतलब बहुत सारी समस्याएं आ जगह की सकती भी है। समस्या हाँ, रहती है जगह की भी पर। समस्याएं रहती है। अभी हम जहां पे हैं वहां से हम सीधे हाईवे पे देखते हैं, लोग पैदल जाते हैं अपने घरों की तरफ। तो एक तरफ से परेशानियां तो लोगों के पास बहुत ज्यादा है और हम लॉकडाउन को भी ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं और हम देखते हैं कि अभी क्या मिनिस्ट्री करने वाली है। और जो हमें टाइम मिला है 14 अप्रैल तक का, उसके लिए तो अभी तक हमें तो एक तरफ से क्वारंटाइन में ही रहना पड़ेगा, मतलब अपने घर में ही रहना है सबको। तो हम अनुराग जी से ये चाहते हैं कि वो आप लोगों को बताएं कि अभी क्या क्या आप तरीके अपना सकते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, क्योंकि ये एक दिन में खत्म होने वाला वायरस तो है नहीं। इसे खत्म होने में हम बता भी नहीं सकते कि कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि इसको वर्ल्ड बैंक ने पेंडेमिक घोषित कर रखा है, हर स्टेट ने एपिडेमिक घोषित कर रखा है। तो आपको अनुराग जी इसके बारे में बताएंगे कि ये वायरस से आप बच कैसे सकते हैं और दूसरों को भी कैसे बचा सकते हैं। बिल्कुल सही देवाशीष जी, इसके ऊपर मैं कुछ खुद की जो बचाव है, खुद की बचाव प्रक्रिया है, उनसे ही हम इस वायरस से खुद को और अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को बचा सकते हैं। इससे मेन कारण, मेन जो जरिया है इससे बचने का, वो है जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके थे, सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और डिफरेंट सा जो भिन्न राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, सबका ये कहना है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ये एक जरिया है जो हम इस बीमारी को बचा सकते हैं। दूसरा है, देखो जैसे कि हम सबको पता है ह्यूमन सोशल एनिमल है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग है क्या आखिर में। सोशल डिस्टेंसिंग उस चीज को कहना चाह रहे थे, या जो मुझे लगता है दिवस जी, कि लोगों के बीच में जो अननोन पर्सन होते हैं, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, जैसे मैं बाजार गया, बाजार में जाके सामान लेके आया, मैंने दुकानदार से सामान लिया, तो दुकान वाला मेरे लिए कौन है? अननोन है, मैं नहीं जानता उसे, मुझे सामान से मतलब है। सोशल डिस्टेंसिंग वही कहती है कि जो अननोन पर्सन है उससे हम ना मिले। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये शायद होगा मेरे हिसाब से, दिवस जी इसके और बिल्कुल क्लियर बिल्कुल, करेंगे। आपका कहना सही है, मतलब ये तो है ही है। साथ में मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप जहां पे हैं वहां तो रह रहे हैं लेकिन आप बाहर भी ना निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे अपने दोस्त के घर पे जाके पार्टी करें, गाना गाएं या कोई भी काम हो, पढ़ाई भी अभी
रोक के रखिए, घर पे ही पढ़िए, दोस्तों के साथ मत करिए। अभी हाँ आप घर पे रहेंगे तो सेफ हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं मतलब आप कोरोना को दावत दे रहे हैं कि जी आओ हाँ मुझे लेके जाओ अपने घर पे। अब आप अपने बिल्कुल बारे में तो सोचिए, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में भी सोचिए। सो मैं यही कहूंगा कि जितना हो सके दूरियां बनाए दूसरों से, जितना हो सके घर पे रहें, खुद खुश रहें, दूसरों को भी खुशी रखें। और अनुराग जी आपको बताएंगे कि जो ये कोरोना है, इतने सारे डेवलप्ड कंट्री हैं वो भी उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो भी उसकी इलाज नहीं निकाल पा रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों है? आपको पता है इंडिया कई सारे इंडेक्सेस में काफी नीचे है, लेकिन इसके जो फैलने की क्षमता है बाकी जो डेवलप्ड देशों से काफी कम है। तो आपको अनुराग जी इसके बारे में बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या क्या मतलब हमारी कंट्री और दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो स्टेप। हाँ, तो जैसे देवाशीष जी प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत ही एक चैलेंज था हमारे देश के लिए भी। जब हमारे देश में कोरोना का पहला मरीज मिला हुआ था 30 जनवरी, 30 आई थिंक 30 जनवरी को पहला मरीज हमारे देश में मिला हुआ था। सो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे देश के लिए कि हमारे जो हेल्थ इंडेक्स में जो रैंक, विश्व हेल्थ इंडेक्स में हमारी रैंक बहुत नीचे थी। हमारे यहाँ पे इतने हॉस्पिटल्स भी नहीं थे, बेड्स भी नहीं थे, इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज में थी, जैसे नो यूएसए, इटली, फ्रांस, स्पेन। यहाँ अच्छी सुविधाएं हैं हमारे देश की अपेक्षा, लेकिन तब भी इन देश में हमारे देश की अपेक्षा ज्यादा ही प्रभाव किया है। इसका मेन कारण मुझे जहां तक लगता है, मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि जो इस बीमारी को रोकने के जो हमारे पास मुख्य और जो जटिल कदम उठाने पड़ चाहिए थे, वो शायद किसी और डेवलप्ड कंट्री ने नहीं उठाए हैं। जो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने सडन लॉकडाउन का स्टेप उठाया था, शायद यूएसए में लॉकडाउन अभी हुआ है जाके, जब वहां केसेस 1,20,000 से ज्यादा हो चुके हैं। सो ये केसेस इस चीज को रोकता है, और हमारे प्रधानमंत्री की ये सराहनीय होगी जो अपने देश की हालत को समझा और उस हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। हालांकि इस फैसले को और बेटर कर सकते थे, बट जो भी किया अभी तक वो बेटर था। दूसरा, देवाशीष जी, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि जो धार्मिक स्थल है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा देश है एक, भारत एक धार्मिक देश में माना जाता है, यहाँ बहुत ही ज्यादा धर्म को माना और पूजा जाता है। तो इस स्थिति में जो कोरोना वायरस चल रहा है, सारा लॉकडाउन चल रहा है, तो धार्मिक स्थलों को हम किस नजरिए से देखते हैं, और क्या इससे हम अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके से इससे धर्म और कोरोना को हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे? देखिए अनुराग जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, जो कोरोना है वो किसी भी धर्म को नहीं देखता। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं तो आपको नहीं होगा। उसके लिए आप एक इंसान हो और उसके लिए आप एक उसके लिए होस्ट हो। उस देखो कोरोना वायरस है, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आपके बॉडी में नहीं आता है वो कुछ नहीं है, वो एक तरफ से मरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे वो आपके बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो अपने आप मल्टीपल होने लगता है, अपने आप को डेवलप करने लगता है और कई सारे वायरसेस आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं। और जो आपके इम्यूनिटी है वो काफी कमजोर कर देता है। आपको इसके सिम्टम्स अच्छे से पता होंगे, अगर नहीं पता तो हम एक बार और बता देते हैं कि सबसे पहले आपको तो रनिंग नोजेस मतलब आपके नाक बहने लगते हैं, उसके बाद गला सूखने लगता है, हल्का हल्का दर्द करने लगता है, उसके बाद आपको ये 1 से 2 3 दिन में आपको पता होने लगेगा। जैसे ही 4 5 दिन होगा तो आपको गला कुछ ज्यादा ही दर्द करने लगेगा और आपके चेस्ट में भी पेन होने लगेगा। जैसे ही आप 8 या 10 दिन तक आते हैं तो आपके सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगेगा, जिससे आप सांस नहीं ले पाएंगे। और इस बीमारी से आपको पता है कि ये काफी डेडली बीमारी भी है, जिससे कई सारे लोग, आपको पता है इटली में 12,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, चाइना में भी 5,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इंडिया में भी मोर देन 70 हो चुका है। सो हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि इस बीमारी के बारे में पहली बात तो आपको अच्छे से जानिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते हैं अफवाहों से दूर रहिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको आपने कहीं अफवाह देखा होगा कि व्हाट्सएप पे लोग ज्यादातर भेज देते हैं कि ये बाबा है आपको भभूत दे देंगे। रुक तो बाबा जी हैं वो भभूत दे रहे हैं। तो जो खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो गांव के लोग हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं, ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि भभूत अगर इतना ही इफेक्टिव होता या इतना ही कारगर होता तो इटली, जापान,
चाइना, रूस, ऐसे देशों में लोग मरते नहीं, वो भभूत से ही जिंदा हो जाते हैं। तो ऐसे विश्वासों पे दूर रहिए। रही बात धार्मिक स्थलों की, तो बिल्कुल भगवान आपको भी पता है कि हर जगह है। हमारी एक बस विश्वास है कि इस मंदिर में है, मस्जिद में भी है। आप अपने घर पे ही भगवान को बुला सकते हैं, अपने भगवान को आप घर पे ही याद रखें। आपको भी पता है आपका भगवान तभी आपका साथ देगा जब आप अपना खुद साथ दोगे, तभी आपका भगवान आपका साथ देगा। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करता हूँ कि घर पे रहें आप, बिल्कुल सुबह जैसे डेली काम करते हैं वही करें, भगवान को याद करें। आपको अनुराग जी बताएंगे कि हमारे इंडिया में कितने अफवाहें फैल रही हैं और इनका क्या क्या दुष्परिणाम हमारे देश पे हो रहा है। अभी आपको दिल्ली की कहानी अनुराग जी से सुनाएंगे। बिल्कुल देवाशीष जी, मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ कि जो अफवाहें हैं, जिसे हम पाखंडवाद भी कहते हैं हमारे देश में कोरोना को लेकर, देखिए आस्था और धर्म एक अपनी जगह है, जिसकी अपनी एक महत्वता है, अपनी वैल्यू है। लेकिन हम किसी एक बीमारी को या जैसी बीमारी जिसकी अभी तक कोई इलाज नहीं है, तो हम उसको नहीं मान सकते हैं कि कोई धार्मिक इलाज उसका हो सकता है। हो भी सकता था, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं मान सकते कि भभूत खा लो या किसी बाबा के पास ले जाओ, चक्कर लगाया हो, कुछ पेड़ पे कर दो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ वैसा कर लो, ऐसा नहीं है इस बीमारी में। क्योंकि हमने बहुत रिसर्च कर रखी है, हमारे साइंटिस्ट पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जिससे कोई इसकी खासी जानकारी नहीं दे पाए कि किस वजह से या क्या कारण है जिनसे ये बीमारी ठीक हो सकती है। सो इन चीजों से बचना है। जैसे एक अभी उदाहरण आया था, एक कुछ ही एमएलए ने, कोई हमारे बहुत बड़े राजनेता थे, उन्होंने कहा था कि गौमूत्र से ठीक हो जाता है, तो उन्होंने गौमूत्र पार्टी की थी, शायद मनोज नाम था उनका, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उनका गौमूत्र पार्टी से क्या हुआ, उनके यहाँ पे लोग बीमार पड़ गए। तो इस चीजों से बचना, थोड़ा इन चीजों को बचने बचना चाहिए। और आज का हमारा यही हम सेशन खत्म करते हैं। बिल्कुल, आप अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहे हो, तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कोई भी ऐसे मतलब जानकारी हो आप देना चाहते हैं हमें, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। सो खुश रहिए, घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए, और कोरोना से सबको लड़ना है, लड़ना है। जय हिंद।